बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदास। और नाज़रीन, आपको बताएं, आज एमकेएम पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद पे मुस्लिम लीग नून का वफ़ जाएगा, और जो है उसमें तकरीबन उनकी काफ़ी सीनियर लीडरशिप जो है वो भी उस वक्त में मौजूद होगी। आज जो है एमकेएम पाकिस्तान के मरकज़ जो है, जो मुस्लिम नून का जो वफ़ जाएगा, जाने का मकसद ये है, जो अब आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं उनकी तेज़ी से तैयारियाँ, आपस में इत्तेहाद, कराची और कराची की आवाम का एतमाद हासिल करना और मिल बांट कर काम करना। इसके साथ साथ जो है GDA के भी लोगों से मुलाकात होगी, और इसके अलावा क्योंकि कल ही हमारे प्रोग्राम में जो है जैसे राणा सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगु की थी, और उन्होंने जो है काफ़ी जो है डिटेल में बात की थी। उन्होंने उनका कहना ये था कि कराची की आवाम का एतमाद हम हासिल करेंगे और मिल बांट कर हम काम करेंगे, और आइंदा आने वाले जो इलेक्शन हैं उनमें जब अगर हम जीत जाते हैं तो कराची में अच्छे मेगा प्रोजेक्ट्स भी हम देंगे कराची की आवाम के लिए, जो हमने दावे और वादे जो किए थे वो पूरे करते हुए नज़र आएंगे। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हमारे साथ मौजूद हैं एमकेएम पाकिस्तान से नईम उद्दीन साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में। खैरियत से सर, आज जो मुलाकातें होने वाली है, जो डेलीगेशन आने वाला है मुस्लिम लीग नून का बहादराबाद मरकज़, तो आगे की क्या तैयारियाँ, क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड जो कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे पास इतलात हैं वो तो मैंने डिस्कस कर लिया है, यहाँ पर अंदर की क्या स्टोरीज़ हैं वो मैं जानना चाहूँगी आप। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मुस्लिम लीग नून का वफ जो आ रहा है, आपको पता होगा इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो जाहिर बात है इसमें जो हमारे साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो रही हैं और आइंदा हमें सीट एडजस्टमेंट पे इलेक्शन लड़ने हैं जी। तो मुस्लिम लीग का वफ भी आएगा, और जो भी वफ आना चाहते हैं एमकेएम के दफातर में, एमकेएम के दफातर खुला हुआ है, बहादराबाद खुला हुआ है, जो भी पार्टी अगर आना चाहती है, मिलना चाहती है हमारी सीनियर लीडरशिप से, तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। सही। तो हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून भी आए, और जो और लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आए, वेलकम। मसलन कौन कौन, मसलन कौन जैसे GDA के लोग हैं हमारे साथ जी। और ANP भी इंशाल्लाह कोशिश कर रही है कि वो भी हमारे साथ आए। अच्छा। और बहुत सारे लोग अच्छा, हैं। ANP के साथ पहले कभी इत्तेहाद हुआ आप लोगों का? ANP के साथ हमारे मरासिम अच्छे रहे, बीच में कुछ चीज़ें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मरासिम हैं, और खालिद भाई की लीडरशिप के अंदर, मुस्तफा भाई की लीडरशिप के अंदर, तो इस वक्त बहुत चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो इख्तलाफात थे वो सब अब ख़त्म हो चुके हैं सारे? जी, इख्तलाफात तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुके हैं, हम एक पेज पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जिस तरह आप देख रही हैं इस वक्त शहर में एमकेएम के दफातर खुल रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, और गहमा गहमी है, आप हमारे जलसे रैलियाँ देख रही हैं। अच्छा, तो जो आप लोगों के जो दफातर के हवाले से जो शिकायत थी वो अब ख़त्म होती भी नज़र आ रही, कहाँ कहाँ पे आप लोगों के ऑफिस सब खुल चुके हैं? तकरीबन हमारे शहर में इलेक्शन ऑफिस की कंपनी स्टार्ट हो गई है, कुरंगी, औरंगी, और बहुत सारे शहर में हमारे दफातर स्टार्ट हो गए, खुल रहे हैं इलेक्शन कंपेन की वजह से। ठीक है। अच्छा, जो इलेक्शन की जो तैयारियां वो तो चल ही रही हैं साथ साथ में, उसके बाद इत्तेहाद भी आप लोगों का चल रहा है इलेक्शन में, मतलब ये भी कहा जा रहा है जो सुनने में आया है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इस बात में कितनी? देखिए, हम तो जो इलेक्शन होता है वो सबके खिलाफ ही होता है ना। अब पीपल्स पार्टी भी है, जमात इस्लामी भी है, PTI भी है, MQM भी है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी मार्जिन से हम जीतेंगे, और हम पुरउम्मीद हैं हमारे लोगों को। अब वो जो चीज़ें जो इख्तलाफात थे ख़त्म हो गए जी, और पब्लिक के अंदर भी आप समझ रही थी कि लोग समझते थे कि हमारा वोट बैंक ख़त्म हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोट बैंक रिवर्स हुआ है, और हमारे लोग बिल्कुल हमसे रबते में, और आप छोटी छोटी जो तकरीबात देख रही हैं हमारी, इसके अंदर आप देखते हैं कितने हमारी छोटी सी तकरीब भी एक जलसे की हैसियत अख्तियार कर जाती है। मतलब आवाम का जो एतमाद जो टूट गया था वो अब बहाल होता है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम का एतमाद जो है वो काफ़ी हद तक बहाल हो गया है, और इंशाल्लाह आप इलेक्शन में देखेंगी कि हम अल्लाह ने चाहा तो क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कराची, पूरा कराची? जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चले, ये तो बड़ी ब्रेकिंग है हमारे पास आज, ये कराची में एमकेएम जो है वो क्लीन स्वीप करने वाली है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है गुफ्तगू जारी रखेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी इलेक्शन के हवाले से, कराची में बढ़ती हुई जो आपस में जो रबते तेज़ी से नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से मुलाकातें, इलेक्शन का सिलसिला चल रहा है, जलसों का सिलसिला चल रहा है, जगह जगह जो है कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, और इसके अलावा जो है जिस तरह से हम देख रहे हैं आपस में तनकीद भी की जा रही है, तो ये भी हम डिस्कस अभी जिस तरह से कर रहे थे इनसे, नईम साहब से गुफ्तगू हमने की, और अभी हम हमारे साथ स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी से फवाद साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम में। जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। सर, बात हो रही थी इलेक्शन के हवाले से, मैं नईम साहब से गुफ्तगू कर रही थी, फिर आपने हमें ज्वाइन किया, तो मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगी, लेकिन अभी जो है मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन इससे पहले क्योंकि नईम साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूँगी वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं फवाद साहब के पास जाती हूँ। जी, इलेक्शन के बारे से और फिर जो है पीपल्स पार्टी को महदूद करने की जो तैयारियां की जा रही थी। जी, मैंने जैसे आपको बताया कि जो इस वक्त कराची का मैंडेट है जी, और बल्कि एमक्यूएम के पास है इंशाल्लाह, और मैंने आपको ये भी बताया कि अल्लाह ने चाहा तो जिस तरीके से हमारा वोट बैंक दोबारा रिवर्स हुआ है, और तो इंशाल्लाह हम कराची को स्वीप करेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे। ठीक है, सही है, क्लीन स्वीप करेंगे, पहले भी यही कहा गया था। मैं आपसे भी जानूंगी, लेकिन जो है क्योंकि अभी बात हो रही थी कराची के मसाइल, क्योंकि कराची में इतने मसाइल हैं, और कल भी हमने गुफ्तगू की थी सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से जो कि डेप्टी मेयर हैं कराची के, उनसे हमने बलदियाती सूरत हाल के हवाले से डिस्कस किया, और जो आज से 3 दिन पहले जो एक वाक़ पेश आया था, एक घर के 2 लोग जो है मतलब कचहर में गिर के जो है मतलब वो अपनी जान की बाजी हार गए, इस तरह के अफसोसनाक वाक़ सिर्फ 2-3 दिन पहले ही नहीं, मतलब इस तरह की काफ़ी ज़्यादा वाक़ रोनुमा होते रहते हैं। कितनी दफ़ा जो है मीडिया जो है निशानदेही करता रहता है, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म की कोई नज़रसानी नहीं जो है की जाती है। मैं प्रोग्राम की तरफ आती हूँ, क्योंकि बात हुई थी बलदियाती निज़ाम के हवाले से, जो कि कराची का बिल्कुल गरम बरम है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने आने से पहले काफ़ी दावे वादे तो किए थे, लेकिन उन दावे वादों पे अभी तक पूरे नहीं उतर पाए, जिस तरह से उन्होंने मेन होल की कैब्स और दीगर चीज़ों के लिए, सिवरेज का निज़ाम बेहतरी के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन वो सारी चीज़ें बिलाखिर अभी तक वहीं की वहीं हैं, अभी तक उन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं दे सके। मैं फवाद साहब के पास जाऊँगी सर, क्योंकि कल हम जिस तरह से मैंने अभी ब्रेक से पहले गुफ्तगू की थी कि हमारे सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से भी गुफ्तगू हुई थी कल, और उन्होंने ये कहा कि हम अब जो सारे इख्तियारात हैं वो हमने चेयरमैन और टाउन चेयरमैन वगैरह तक मतलब उनके पास आ चुके हैं, और फंड्स भी उनके पास अच्छा खास है, तो अब खुद क्यों नहीं कोई काम करते जी। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया, और जी एक अच्छी हेल्दी गुफ्तगू का पार्ट बनने का मौका मिला है। इसमें देखें, असल में एक चीज़ तो मैं इसकी वजाहत करना चाहूँगा कि अब्दुल्ला मुराद साहब अगर ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने इख्तियार दे दिया, तो इख्तियार उन्होंने नहीं दिया, मतलब कोर्ट से लिया गया था। मैं उसकी थोड़ी सी बस वजाहत कर दूँ कि ये तो इख्तियार के लिए हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, और अच्छा अभी भी इख्तियार जो है वो बिट्स एंड पार्सल्स की सूरत में, अच्छा। यानी यूसी चेयरमैन को इख्तियार नहीं दिया गया, वहाँ अभी तक उसी तरह ट्रांजिशन फेज को लेके चलाया जा रहा है, जबकि बेसिक जो यूनिट है वो यूसी का यूनिट है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ टाउन की, तो टाउन में पहली OZTP भी जो हमें ट्रांसफ़र हुई है, जिसकी बुनियाद पे टाउन के अमले की तनख्वाहें दी जाती हैं, तो वो पिछले महीने के बिल्कुल एंड में दी गई, जिसकी वजह से कराची में सारे बल्दियाती इदारों के अंदर मुलाजमीन परेशान थे कि पूरा महीना गुजरने के बावजूद उनकी तनख्वाहें नहीं मिली थी। और अभी तक अगर कोई फ़ंड ट्रांसफ़र हुआ है तो वो OZTP का फ़ंड ही है कि जो तनख्वाहों की मद के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसमें जी मैं इसकी वजाहत ज़रा सी और ये कर दूं कि इसमें एक और चीज़ ये हुई कि इस अरसे के अंदर जो ट्रांजिशन पीरियड के नाम पे ट्रांजिशन अफसरान आते रहे और वो जिस तरह से वसाइल को इस्तेमाल करते रहे, अमलन उसके नतीजे में कराची के अंदर मसाइल बढ़े हैं, मसाइल कम नहीं हुए, जबकि वसाइल उनके पास थे। अब अगरचे के इन्होंने ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म किया है, और उसको ख़त्म करने के अंदर भी अगर मैं ये बात कहूँ कि ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इसमें एक बात मैं अलबत्ता ज़रूर आपसे कहूँगा कि हमने पहले भी बात की थी और आज भी हम इस बात को ही लेकर चल रहे हैं कि इख्तियारात का रोना इंशाल्लाह हम नहीं रोएंगे, और उसके बावजूद हमसे जो कुछ हो सका, यानी मैं उसकी एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इस दफ़ा बकरईद गुजरी है, आलाइशें हमेशा कराची के अंदर एक बड़ा मसला रही हैं, और लोग ये बात जानते हैं कि कई कई दिन आलाइशें पड़ी रहती थीं और आलाइशें उठाने वाला कोई नहीं होता था, वो निज़ाम पूरा कोलेप्स हुआ हुआ था।
लेकिन इस दौरान मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ, लोगों ने उसकी गवाही दी है कि इस दफ़ा कराची में जो बकरीद गुजरी है, और बिलखसूस मैं अगर अपने टाउन की बात करूँ, गुलशन टाउन की, तो कई लोगों ने हमें कहा कि हमें लगा ही नहीं कि बकरीद आई भी और चली भी गई। अच्छा, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने नीपा चौरंगे जैसे क्रॉस करते हैं, आपने देखा होगा एक काफ़ी बड़ा जो है वहाँ पे ब्रांड का स्टोर है, वो जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो वहीं पर ही मेरा ईद के सेकंड डे मेरा शो था, मैं आई थी यहाँ पे और मैंने देखा था कि काफ़ी जो है वहाँ पे बीच में लाइशें पड़ी थी, मैंने अच्छा, देखी उसकी उसकी रीज़न है मैं बताऊँ, इन्होंने असल में उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ अच्छा, एक बड़ा ग्राउंड ये भी है। कहा गया था कि जमात उठाती है तो पीपल्स पार्टी पीछे से डाल देती है लाइशें, नहीं असल में वो ये भी जमात की तरफ से सुनने को मिली थी चंद लाइशें, बिल्कुल आपकी बात सही है, जो रोड पे गिरी थी वो ट्रक का इनका निज़ाम जो उठा के ले जाता है उसको हमने खुद भी मॉनिटर किया, लेकिन वो साथ ही साथ माइनस हो गई थी, यानी जो असल मसला होता था पहले कि जो आलाइशों के कलेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ से आलाइशें ही नहीं उठती थी। अच्छा। और अमलन ये सूरत हाल थी कि जो हमारे यहाँ 5 पॉइंट्स थे वहाँ पे रात को सारे पॉइंट्स ख़त्म हो जाते थे, यानी ये मैं इसलिए आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखें इस सब के अंदर भी असल में एक अहम चीज़ ही होती है कि आप इदारों के अंदर और अफराद से काम किस तरह ले पाते हैं, और काम लेने का अगर यानी देखें जो पूरा एक ट्रेंड रहा है इस पूरे अरसे में, वो कराची के साथ बदकिस्मती ये रही कि जो लोग भी आए या जिन्होंने भी कराची के मुख्तलिफ इदारों के ऊपर हुकूमत की, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हों या दीगर लोग हों, लोगों की तवज्जो लोगों को सर्व करने में नहीं रही, उनकी दिलचस्पियाँ कुछ और चीज़ों में रही हैं, और उसकी वजह से पूरे इदारों के अंदर इस वक्त अगर ये कहें कि मिजाज तब्दील हो गया लोगों का, लोगों का काम से ज़्यादा किसी और चीज़ के अंदर दिलचस्पी है, तो उसको इंशाल्लाह ताला हमने तब्दील करने की कोशिश का आगाज़ किया है। मैं इतनी कह रहा हमने कोई कोशिश में कामयाबी हो गई है लेकिन आगाज़ किया है, और उसमें भी अगर बात यह है कि देखिए अगर फंड्स की बात है तो फंड्स जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो फंड्स इस्तेमाल होते हुए भी नज़र आएंगे, लेकिन ये बात की मैं यहाँ वजाहत करना चाहता हूँ कि इस वक्त अभी तक कोई इस तरह के फंड्स जो है वो टाउन्स को इनकी तरफ से नहीं मिले। अच्छा, मतलब जो अभी सारे जो काम हो रहे हैं वो आप लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं? अपनी मदद आपके तहत नहीं कर रहे, मैं अभी देखें इस वक्त तो काम स्टार्ट ही नहीं हुए, स्टार्ट इसीलिए नहीं हुए कि एक अब टेक्निकल सी एक चीज़ है कि एक प्रोक्योरमेंट कमेटी होती है, जब तक वो फॉर्म नहीं होगी और उसकी अप्रूवल से इन गवर्नमेंट से नहीं मिलेगी तो सिप्रा के तहत टेंडर्स नहीं हो सकते। अच्छा, जो मैंने आपसे कहा ना ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं कि जिन हर्डल्स को पेश करके आप सामने रख के कोशिश होती है कि कामों को डिले किया जाए, लेकिन इसमें हमने अब अलबत्ता कोशिश ये की है कि इदारों को टारगेट्स देके जो ओन रेवेन्यू हम अपना कलेक्ट कर सकते हैं उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और उसके हवाले से हमने अपने जो अफसरान हैं या जो भी दीगर लोग हैं उनको इसका टारगेट दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इस चीज़ के बहरहाल कायल हैं कि कराची सबका शहर है और इसको जब तक ओनरशिप नहीं दी जाएगी, यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि नेमतुल्ला साहब ने एक बात की थी, कराची वो बदकिस्मत शहर है कि जिससे कमाते तो सब हैं लेकिन इसकी ओनरशिप कोई नहीं लेता, तो हम बुनियादी तौर पे तो इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं, जो भी अफराद हैं, जहाँ जो जिस मुकाम पर है वो इसकी ओनरशिप लेगा तो ही इसके मसाइल हल हो सकते हैं, ये किसी एक पार्टी के बस की चीज़ नहीं है। ठीक है, कल जो है वो हाफिज सईद रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची जो है उनका भी यही कहना था कि कराची में जो जितने भी सरकारी जो दफातर हैं उनका भी बहुत ही बुरा हाल है आप सबके सामने, और इसके अलावा उन्होंने बेरोज़गारी से भी रिलेटेड गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी की भी शरह में काफ़ी इजाफा दिखने में आ रहा है, तो अच्छा जो सरकारी दफातर और बाकी उन्होंने कहा कि कराची के जो मतलब सरकारी दफातर है उनका हाल आपके सामने, तो किन किन दफातर की तरफ उनका इशारा था? कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि जिनको हम अगर ये कहें कि कोई खुला राज है तो गलत नहीं होगा, यानी इस वक्त बदकिस्मती यह है कि हम ये तो कहते रहे हैं कि पंजाब में इमरान खान साहब के दौर में तबादले और तकरूरियाँ पैसे देकर होती थी, लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि इस वक्त सिंध में ख़ास तौर से जो बल्दियाती इदारे हैं वहाँ पर लूट सेल लगी हुई है, वहाँ पर जितने तबादले और तकरूरियाँ वो सब पैसे दे के होते हैं, और बदकिस्मती है कि एक आदमी की अभी पोस्टिंग होती है दो दिन बाद उसकी जगह कोई और ऑर्डर लेकर आया हुआ होता है, तो एक बिल्कुल अगर हम ये बात मतलब कहने में कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है कि अमलन तो पूरे जो सरकारी मशीनरी है वो कोलैप्स हो चुकी है। अच्छा। और सबकी जो इस वक्त तवज्जो है वो जैसे मैंने आपका ना कहा कि दिलचस्पी किसी और चीज़ में, आवाम या आवाम की फला या आवाम के मसाइल ये किसी की तवज्जो में नहीं है, लेकिन किस चीज़ में यानी मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर तबादले और तकरूरियाँ पैसे देकर हो रही हैं तो किस चीज़ में दिलचस्पी मतलब पैसों की दिलचस्पी है, पैसों में दिलचस्पी है। आप इत्तेफाक करते हैं फवाद साहब की इस बात से? देखिए फवाद साहब का अपना एक विजन है, बिलीव
ऐसी देखे हो रही हैं और ये तो एक सिस्टम का हमेशा हिस्सा रहा है और अच्छा हिस्सा रहा है ये सब जी जी। और करप्शन तो आपको पता है ना कभी ख़त्म होगी ना हो सकती है, गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है, दूसरे लोग भी इस पे काम करें, लेकिन करप्शन को हम ख़त्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हैं। और अभी बस जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जी उनके पास इख्तियारात नहीं है, तो भाई अगर इख्तियारात नहीं है तो छोड़ दें, क्यों काम कर रहे हैं? देखें ना, ये तो आप वही बात कर रहे हैं जो वसीम अख्तर के दौर में जो जमात कहती थी कि वसीम अख्तर साहब क्यों मेयर बन के बैठे हैं, वो भी इस्तीफा तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई इख्तियारात नहीं तो छोड़ दें, क्यों काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, तो इख्तियारात का रोना तो आप धोए नहीं बल्कि इख्तियारात छीने। हमने भी इख्तियारात को छीनने की कोशिश की थी, हमने काम किया था। देखिए सेक्शन 140A के तहत हमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी क्योंकि पीपल्स पार्टी थी और सूबाई गवर्नमेंट थी। तो सीएम साहब कहते थे कि जी अगर 140A की इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो क्या हम घर चले जाएंगे? बेसिकली जो काम है वो बलदियाती इदारों का है, ठीक है ना, बलदियाती इदारे ही ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे होते हैं। जितनी भी आपकी आप समझ लें कि जो भी कंस्ट्रक्शंस हैं, चीज़ें हैं, वो बलदियात देखती है, ठीक, अवामी मसाइल। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि जी सीएम साहब बैठे होते थे, तो सीएम साहब अपने प्रोजेक्ट को ख़राब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 140A पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और ये सिर्फ एमकेएम की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि वो एमकेएम ने 140A को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की और वो केस जीते। सही। तो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब को कि ये भी कोशिश करें कि 140A की इम्प्लीमेंट हो और काम किया जाए। इसमें देखें, मैं एक बात तो ये कहूँगा, जैसे हमारे भाई ने फरमाया, करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो इंसानी माशरे के अंदर शायद इब्तदा से मौजूद रही है और शायद आखिर तक मौजूद रहेगी, लेकिन एक जिसका खुद हमारा दीन भी हमें तलकीन करता है और तालीम देता है कि कम से कम बुराई को बुराई तो बोलें, सही बात, और जिसका आखिरी दर्जा ये है कि आदमी दिल में बुरा जाने। लेकिन आप देखिए कि इसके नतीजे क्या निकलते हैं, जब एक अफसर पैसे दे के तकरीरी कराएगा तो उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? उस पैसे की वसूली। ये बात तो हम सियासतदानों के लिए भी करते हैं कि जब सियासतदान इलेक्शन में सीटें अपने कैंडिडेट्स को पैसा लेके देते हैं और करोड़ों रुपए दे के जो है क्या नाम है, ये तो आप देखें जो सियासी पार्टियों में, ये तो बिल्कुल सबके इल्म है कि सियासी पार्टियों में टिकट के लिए पैसे दिए जाते हैं और उस टिकट के एवज लोगों को पार्टी, उस पैसे के एवज पार्टी टिकट दिया जाता है। तो अब ये तो एक इन्वेस्टमेंट का, हमारे मतलब अगर मैं बात करूं कि देखें जमात इस्लामी का तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट ट्रेंड है कि हमारे यहाँ तो कैंडिडेट अपने आप को कैंडिडेटर के लिए पेश भी नहीं कर सकता, पार्टी फैसला करती है, कारकुनान फैसला करते हैं। लेकिन ये वो हकीकतें हैं जो इस वक्त जिसके साथ जिसको हम फेस कर रहे हैं माशरा, फिर आज हम यहाँ इस पोजीशन में क्यों आ गए हैं, यानी पूरी सोसाइटी के अंदर आपने एक बात की थी इब्तदा में ढक्कन की कि ढक्कन में लोग गिर के गटर में गिर रहे हैं, यानी यहाँ लोग चांद पर कमन डाल रहे हैं, लोग मरीख और दीगर सैयारों में जाने की बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ बेचारे बच्चे और दीगर लोग वो गटर के अंदर गिर रहे हैं और गटर के ढक्कन, यानी गटर का ढक्कन तो इस वक्त कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। सही बात है। लेकिन उसके ऊपर भी ये बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी एक वो ये आज के अगर हम 2023 में बैठ के ये बात कर रहे हैं कि गटर उबल रहा है और गटर नहीं उबल रहा, पानी आ रहा है और पानी नहीं आ रहा, गटर का ढक्कन नहीं है, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम कहाँ पहुंच गए। यानी आज यानी हमारे यहाँ तो बात ये होती थी कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स वो लोग हैं जिन्होंने एमिरेट्स एयरलाइन को खड़ा कर दिया और आज आपके यहाँ सूरत हाल ये है कि आपके वजीर निजकारी कह रहे हैं कि PIA को बेचना पड़ेगा इसलिए कि 50 करोड़ रोज का खसारा है। तो ये असल में अलमिया है, जो बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि ये हमारा अलमिया है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसको कहते हैं ना तरक्की है माकूज, रिवर्स गियर में हम चले गए। रिवर्स गियर में ऐसे ही नहीं चले गए, कोई बाहर से आके किसी दुश्मन ने नहीं कर दिया, हमने अपना हाल बर्बाद किया। आज देखें ना आप किस शोबे में, आप सिंध और कराची की बात करते हैं कि पाकिस्तान को वो लीड कर रहा है, एक जमाने में कराची के तालीमी इदारे पूरे पाकिस्तान में लीड करते थे। सही बात है। आज लोग बात करते हैं कि कराची और सिंध की तालीम जो है पीछे चली गई, ये किसने किया? हमारे अपने हाथों की कमाई। सरकारी स्कूल है, वो सरकारी स्कूल नहीं है, और प्राइवेट स्कूलों में भी इतनी भारी फीसें लेके भी वो मयार नहीं है। तो असल मसला ये कि बल्दियात को खिला के अंदर नहीं है, लेकिन असल जो अहम इशू है, देखें जब तक इदारों को इख्तियार नहीं दिया जाएगा
और लोग वाकईतन आवाम की खिदमत की तरफ तवज्जा नहीं देंगे। अच्छा, ये एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर लोगों की तरबियत, आवाम की तरबियत खास तौर से बहुत अहम है कि लोगों को एहसास हो कि आपका जो वोट है, फिर इलेक्शन फरवरी में आने वाले हैं, कि ये वोट कोई सिर्फ पर्ची का नाम नहीं है, ये आपकी किस्मत का फैसला करता है, आइंदा 5 साल के लिए आपको अच्छे या बुरे हालात से दो चार करता है। आप देखिए ना, आज अभी आपके प्रोग्राम में बैठे हुए हम सुन रहे थे कि साद रफीक साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान अमलन कोलैप्स हो गया था, डिफॉल्ट कर गया था। क्यों डिफॉल्ट कर गया था? इसलिए कि आपका एक गलत फैसला 5 साल के लिए आपको पीछे कर देता है, आप कहीं से कहीं चले जाते हैं आप, ठीक है। तो ये वो चीज़ें जिसको हम समझाना चाह रहे हैं कि देखें। और एक और जो हमारे भाई ने बात की कि हमने तो इसका रोना ही नहीं रोया कि हमारे पास इख्तियार नहीं, मैंने कहीं नहीं कहा हमारे पास इख्तियार नहीं, हमने कहा हमने तो इख्तियार के लिए जद्दोजहद भी की, कोशिश भी की, अभी भी कर रहे हैं, और हमारे इख्तियार को रोकने की जो कोशिश की गई उसके बावजूद हम काम करते रहे। तो ये चीज़ इंशाल्लाह ताला, देखें आवाम ने हम पे एतमाद किया है, और एक इलेक्शन के नतीजे में, एक प्रोसेस के नतीजे में हमसे लोगों को तवक्कात हैं, और इंशाल्लाह हम उन तवक्कात पे पूरा उतरेंगे। लेकिन ये बात मैं अलबत्ता ज़रूर यहाँ कहना चाहता हूँ कि किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की के अंदर जब तक पूरी कौम और मुल्क एक जान ना हो और एक पेज पे ना हो, कोई चीज़ नहीं हो सकती। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है ना, वो इत्तेहाद की ज़रूरत है, और एक वन पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के आवाम के कुछ करके डिलीवर करने का। सबसे पहले तो बेरोजगारी खत्म कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका, नईम साहब आपका, आप लोगों ने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसके साथ अपनी मेज़बान नेता सुखते इजाज़त, मुझे मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।